कैसा होगा अगर आपके सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से ही टीवी भी ऑन ऑफ हो जाए। आमतौर पे होता क्या है, ये टीवी का बटन है और हमें टीवी ऑन करने के लिए टीवी का रिमोट अलग से यूज करना पड़ता है, और मेन जो हमारा यूजेज होता है अब एंड्रॉयड बॉक्स है ये या सेट टॉप बॉक्स है, तो उसके लिए अब चैनल बदलना है या कुछ करना है, वॉल्यूम अप डाउन करनी है, कुछ भी करना है, तो मैक्सिमम हम जब तक टीवी देखते हैं हमारे सेट टॉप बॉक्स का रिमोट ही जो है यूज होता है। टीवी का रिमोट खाली यूज होता है वॉल्यूम या पावर ऑफ के लिए, कभी कभार पिक्चर सेटिंग के लिए, इससे ज्यादा टीवी का रिमोट यूज नहीं होता। आजकल जो रिमोट्स आ रहे हैं सेट टॉप बॉक्स के साथ में या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के साथ में, जैसे ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का रिमोट है ब्लू वाला मेरे हाथ में, इसमें अब ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, इसका वैसे मैं पूरा रिव्यू कर चुका हूँ, काफी कमाल का बॉक्स है, टीवी को स्मार्ट बना देता है, बहुत सारी एप्स इसमें चल जाती हैं टीवी पे। तो अगर ये रिव्यू देखना चाहते हैं मेरे पिछले वीडियोस देखिए, अगर एंड्रॉयड टीवी बॉक्स रिव्यू देखना चाहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो रिमोट है, इस रिमोट में हमें ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो है फीचर्स मिलते हैं जहां पे हम टीवी के रिमोट को इससे पेयर कर सकते हैं। ये एक और रिमोट दिखा रहा हूँ आपको, सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है जो सेट टॉप बॉक्स के साथ मिला, इसमें ऊपर भी देखिए अलग से व्हाइट लाइन के अंदर जो है कुछ बटन दे रखे हैं, पावर का, वॉल्यूम का बटन और टीवी इनका बटन। ये जो है आपके किसी भी टीवी के रिमोट से पेयर हो जाते हैं ये रिमोट। इसके बाद में आजकल वैसे भी जितने सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं उनमें यही रिमोट मिल रहे हैं जो टीवी के साथ पेयर हो जाते हैं। अगर आपने ऐसा कोई सेट टॉप बॉक्स लिया है जिसमें ऊपर देखिए व्हाइट बॉर्डर के अंदर कुछ अलग से बटन दिए हैं, जैसे ये एंड्रॉयड बॉक्स का रिमोट है, तो ये रिमोट अभी मैं चला के भी दिखा दूंगा, इस रिमोट से आप टीवी के रिमोट को पेयर कर सकते हैं। इतना हिस्सा जो है इसको आप पेयर कर सकते हैं टीवी के रिमोट से, यानी कि अब टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए टीवी का रिमोट अलग से उठाने की जरूरत नहीं, इसी रिमोट से आप जो है टीवी को ऑफ कर सकते हैं। ये पावर का बटन आपको इस तरह से दबा के रखना है अपने रिमोट पे, सेट टॉप बॉक्स के रिमोट पे, लाइट जल जाएगी, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट। मैंने यहाँ वॉल्यूम प्लस का बटन दबाया, लाइट ब्लिंक हुई, यहां भी वॉल्यूम प्लस का बटन दबाया, लाइट ब्लिंक हुई और रुक गई। अब यहां वॉल्यूम माइनस, और यहां भी मैं वॉल्यूम माइनस दबा देता हूं, इस तरह से ये ब्लिंक हुई रुक गई। अब यहां पे जो है मैं म्यूट वाला भी कर लेता हूं, म्यूट दबाया ब्लिंक हुई, ये म्यूट दबाया इस तरह से ब्लिंक हुई रुक गई। अभी मैंने पावर का बटन जो है वो इसके साथ पेयर नहीं किया, वो भी अभी करूंगा। इससे क्या होता है, अब हमारे सेट टॉप बॉक्स के रिमोट में ऊपर जो अलग से बटन दे रखे हैं उससे अभी हमने वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और म्यूट को जो है पेयर कर लिया है, यानी टीवी की वॉल्यूम और म्यूट हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहां पे पावर के बटन को भी ये जो है हम टीवी के रिमोट से पेयर कर लेते हैं जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। तो ध्यान रखिए जितने भी सेट टॉप बॉक्स एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस अभी आ रहे हैं सब में आपको ये अलग से ऊपर एक स्लॉट मिल जाता है जहां पे कुछ एक्स्ट्रा बटन्स हैं, यानी कि टीवी के रिमोट की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी रिमोट से टीवी भी ऑन ऑफ हो जाएगा। अब चला के दिखाता हूं। आप देख रहे हैं BR टेक फिल्म्स, अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। पेयर मैंने आपको करके दिखा दिया, आप देखिए यहां पे मैं टीवी को चला रहा हूं जबकि ये सेट टॉप बॉक्स का रिमोट है, ये मैंने किया पावर ऑफ, तो ये सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से यानी कि एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के रिमोट से हमारा टीवी ऑफ हो गया और इसी से देखिए ऑन हो गया, और ऊपर जो लाल बटन है उससे हमारा बॉक्स ऑन होगा। तो यानी बॉक्स के रिमोट से हम टीवी को भी जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं काफी इजीली। पेयरिंग का पूरा मेथड मैंने आपको दिखा दिया है, अब वॉल्यूम भी दिखा देता हूं यहां पे, ये देखिए वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज हो गई और ये वाली वॉल्यूम यहां पे जो है इस तरह से डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बटन्स हमने जो है पेयर किए थे अपने टीवी बॉक्स के रिमोट को, हमने पेयर किया है हमारे टीवी के साथ में। अब नेक्स्ट टाइम से मुझे अलग से रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मुझे टीवी को ऑफ करना होगा तो मुझे टीवी का रिमोट अलग से उठाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी रिमोट से टीवी को भी ऑफ कर सकता हूं, इसी रिमोट से मैं टीवी बॉक्स को भी ऑफ कर सकता हूं, और वॉल्यूम कंट्रोल भी मैं दोनों की कर सकता हूं, यानी मैं बॉक्स की वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकता हूं और टीवी की वॉल्यूम भी जो है इसी रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूं। एक ही रिमोट से अब मेरा जो है दोनों काम हो जाएंगे इजीली। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, अगले वीडियो में कुछ और अमेजिंग टेक के वीडियोस, अमेजिंग टेक की चीजें, नई नई चीजें आपको मैं दिखाऊंगा BR टेक फिल्म्स पे। तब तक के लिए धन्यवाद।